गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 7। ओपन योर जीके बुक बच्चों, टुडे वी विल स्टडी अबाउट फोबिया। ठीक है, आप लोग अपने जीके बुक का पेज नंबर 87 निकालिए। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ फोबियाज के बारे में दिया हुआ बच्चों, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फोबिया इज ए एक्सेसिव एंड इरिटेशनल फियर रिएक्शन। ठीक है, फोबिया क्या है? एक तरह का ऐसा रिएक्शन होता है बच्चों, जो सडन किसी चीज से हमको डर लग जाए। मान लीजिए सपोज डैट, आपके बहुत बच्चों को होता है, मान लीजिए सपोज डैट आप अपने कमरे में हैं और सडन वहां पर एक स्नैक आ जाए तो क्या होगा? आपका पूरा बॉडी झंझनाहट हो जाएगा बॉडी। ठीक है, लगेगा तुरंत भागे यहां से। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को ही, डर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सडन डर को, रिएक्शन को ही फोबिया बोलते हैं। लेकिन कुछ में होता है क्या, उस पार्टिकुलर चीज से फोबिया हो जाता है। अगर नहीं भी हो वो चीज तो हमेशा इमेजिन दिमाग में लगेगा कि अरे आगे में यहाँ सांप बैठा हुआ है क्या। अगर एक धागा भी, अगर इवन एक रोप या धागा भी रखा हुआ हो तो इमेजिन उसको लगेगा कि ये कहीं स्नैक तो नहीं है। तो ये कुछ ह्यूमन बींग में होता है, कुछ एक पार्टिकुलर चीज से उनको फोबिया हो जाता है, डर बैठ जाता है उनके मनो में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें नहीं होता है बच्चों, आप लोगों में हो सकता है नहीं हो, लेकिन उस पार्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में होता है। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट है मान लीजिए फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। कुछ है मान लीजिए सपोज डेट आप कोई हैं, रूम में बैठे सडन आपका करंट ऑफ हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए और आपके यहाँ लाइट लाने में आपकी मम्मा को 5-10 मिनट लग रहा है, तो उस समय आपको अंधेरा से डर लगने लगता है, आप पूरा एकदम कांपने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। तो इस तरह के चीज को ही फोबिया बोला जाता है। तो वैसे फोबिया जिसको कि बंद क्लोज्ड स्पेस से फोबिया हो, वैसे फोबिया को बोला जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, सबका पार्टिकुलर नाम दिया हुआ है बच्चों, ये आपको घरों में याद करना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा। दूसरा है फियर ऑफ इंग्लिश कल्चर। बहुत को इंग्लिश लैंग्वेज से डर लगता है, नहीं बाबा हमको इंग्लिश में लिखने नहीं आएगा, इंग्लिश में बोलने नहीं आएगा। ठीक है, तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट से होता है, वैसे फोबिया को हम लोग बोलते हैं एंग्लोफोबिस फोबिया। ठीक है, तीसरा है फियर ऑफ पीपुल। बहुत आदमियों को भीड़ भाड़ से डर लगता है, अगर वो भीड़ में चले जाएं उनको सफोकेशन होने लगा, 2-4, 10-20 आदमी को देख लें तो पूरा एकदम से इरिटेट होने लगते हैं, तो वैसे फोबिया को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोफोबिया। नंबर 4 है फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगता है, उसको बोलते हैं लाइगोफोबिया। बहुत को फियर ऑफ वाटर होता है, पानी में अगर जाएंगे आप, बहुत सारे बच्चे जाते होंगे ना गंगा में, गंगा जी में यहाँ पे स्नान करने के लिए, हम लोग गंगा किनारे रहते हैं बच्चों मुंगेर में, तो बहुत सारों को वहां नहाने में डर लगता है, पानी से फोबिया होता है। वैसे फोबिया को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। बहुत को डॉग से फोबिया होता है, कुत्ते से डर लगता है, उस फोबिया को बोलते हैं साइनोफोबिया। तो ये बहुत सारे ऐसे फोबिया हैं जो हम लोगों को, हर ह्यूमन बींग में अलग अलग होते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे इन द नेक्स्ट चैप्टर फियर ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर। बहुतों को डॉक्टर के पास बच्चों को जाने का फोबिया रहता है, नहीं भाई हम डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे, अगर उनके पेट में दर्द हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, मम्मी बोलेगी कि चलो डॉक्टर से दिखा दे, बोले नहीं नहीं जाएंगे, हमको इंजेक्शन से डर लगता है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे भाई। ठीक है, तो वैसे फोबिया को हम लोग बोलते हैं लैट्रोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ स्नैक जो कि हमको बताए, फियर ऑफ डेथ और डेथ थिंग्स। बहुत आदमी को अगर किसी का डेड बॉडी देख लें तो उससे उनको फोबिया हो जाता है, डर बैठ जाता है बच्चों। तो वैसे फोबिया को हम लोग बोलते हैं निक्रोफोबिया। फियर ऑफ लर्निंग, गाड़ी चलाने में, व्हीकल चलाने में बहुत को डर लगता है, बहुत तो निडर हो के आप लोग तो बच्चों निडर होके चलाते हैं, बाइसाइकिल चलाते हैं। ठीक है, मेरे को खुद उससे डर लगता है। ठीक है, तो वैसे फोबिया को हम लोग बोलते हैं सेफ्रोफोबिया। फियर ऑफ पनिशमेंट, अब हम डांटे भी नहीं, बहुत को होता है कि टीचर ने डांटा भी नहीं, पहले से डर गए हो टीचर से, पूरे उनके सामने बुलाएंगे प्यार से, कम ईयर बच्चों, कम ईयर स्टूडेंट, अब पहले से डांट रहे हैं कि मैम तो डांटेगी, ऐसा थोड़ी होता है, मैम हमेशा थोड़ी डांटती है, मैम प्यार भी करती है। तो ठीक है,
तो ऐसे पनिशमेंट मिलने के पहले ही जिसको डर हो जाता है उसको पाइनियोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ स्कूल। बहुत बच्चों को स्कूल का फियर होता है, बहुत को ऊंचाई से डर लगता है, बच्चों फियर ऑफ स्पीड से डर लगता है। तो ये कुछ ऐसे फोबिया है जो पेज नंबर 87 और 88 में दिए हुए हैं बच्चों। इसके बारे में आप घर में पूरे अच्छे से इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा बच्चों। रिमेम्बर क्या है? रिमेम्बर ठीक है, अच्छे से इसको घर में याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आएगा बच्चों। ठीक है, अब ये फोबिया के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो बताएं हम आपको फोबिया के बारे में, फोबिया क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर चीज से अगर किसी को डर लगे तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। बोलते हैं ना, अरे इसको तो फोबिया हो गया, वो चीज नहीं भी होता है ना तो भी इसको लगता है वही हो रहा है। ठीक है, तो ये हर ह्यूमन बींग में, हर किसी में, पीपल में, पार्टिकुलर में किसी अलग अलग चीज से फोबिया होता है बच्चों। ठीक है, जिसको कि डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग सारे फोबिया के फोबियाज के बारे में घर में अच्छे से रिमेम्बर कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट डे हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।